हार्दिक इच्छा ये है कि हमारा नेता हो, मामा जी जैसा हो, इसलिए पूरे लोग इसमें यदि कांग्रेसी भी है तो उसका ये मन है कि मैं अब की बार तो मामा जी को ही वोट करूंगा। और हम तो कहते हैं पूरे देश को इतना प्यार है क्योंकि वो लाडली बहनों के मामा हैं, बहनों के मामा हैं, भैया है, और हर पूरी पब्लिक उनको मामा के नाम से जानती है और दिल से, कोई बनावटी प्यार नहीं, दिल से प्यार करते हैं। शिवराज जी ने क्या नहीं किया है बताइए, क्या नहीं दिया? पहले लाडली लक्ष्मी योजना, गांव की बेटी योजना, प्रसव योजना, लाडली बहनी योजना, समर्थन मूल्य, और आपका किसान सम्मान निधि, क्या नहीं दिया है? प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ है, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, दोनों में से क्या माहौल लग रहा है इस बार? कुछ नहीं, क्यों राहुल का नाम लेके हमारे बेकार मुंह खराब कर रहा है? क्या है वो, ये क्या वो, कहाँ मोदी यार, कहाँ राहुल की बात कर रहा है, मतलब बच्चा जैसा है। बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी जी की जो कि बहुत निर्णायक रही हैं, वो कश्मीर का मुद्दा हम देखते हैं कि जो उन्होंने हल किया, इसलिए उनका तो कोई तोड़ी नहीं है, और वो तो चौथी बार भी आई है मोदी की गारंटी, गारंटी लुभा रही है, बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है कि ये काम होना ही है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। कि पूरे भारत में उनके जैसा जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री आज तक ना हुआ है, शायद होगा भी नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा नहीं। यहाँ तो राहुल गांधी का कोई वजूद ही नहीं है मेरे ख्याल से, और वो जहाँ भी जाते हैं उसका उल्टा असर होता है उनको, एक तो राजनीति का अनुभव ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो जहाँ जाते हैं तो वो सुपड़ा साफ कर देते हैं, वो कम से कम 15-20 चुनाव हार चुके हैं जब से राजनीति में एक्टिव हुए हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और इस समय हम मौजूद हैं सीहोर के रेहटी इलाके में, और यहाँ पर लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गर्मी हो गई है, और लगातार जो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान है उनका जो चुनावी प्रचार है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है, और यहाँ स्थानीय लोगों से हम जानने आए हैं कि इस बार का माहौल क्या लग रहा है रेहटी शहर में। तो सबसे पहले यहाँ के कुछ नागरिक आम नागरिकों से पूछते हैं, सर नाम क्या है आपका? राजेंद्र पटेल जी। ये बताइए शिवराज सिंह चौहान जी इस बार 6वीं बार सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, और रेहटी में क्या माहौल लग रहा है अभी तक? रेहटी में एक तरफा माहौल है, और रेहटी की नहीं, हम तो पूरी लोकसभा की बात करते हैं कि मामा जी के पक्ष में एक नंबर का जो चुनाव प्रचार है वो एक नंबर का है, और सभी लोग क्योंकि उन हार्दिक इच्छा ये है कि हमारा नेता हो, मामा जी जैसा हो, इसलिए पूरे लोग इसमें यदि कांग्रेसी भी है तो उसका ये मन है कि मैं अब की बार तो मामा जी को ही वोट करूँगा, और अन्य को, क्योंकि वैसे भी अन्य पार्टियां तो है नहीं मैदान में, मामा जी की जीत एक तरफा है, और जो हमारा बड़ा जो लक्ष्य है अब की बार और मामा जी 10 लाख पार, वो हम उसको अचीव करने वाले हैं, और पूरे प्राण प्राण से उसमें लगे हुए हैं, और माँ भगवती की कृपा से हम उसको पूरा करेंगे। मामा जी से इतना प्यार क्यों है रेहटी के नगरवासियों? मामा जी से रेहटी को ही नहीं, पूरे प्रदेश को, और हम तो कहते हैं पूरे देश को इतना प्यार है क्योंकि वो लाडली बहनों के मामा हैं, बहनों के मामा हैं, भैया है, और हर पूरी पब्लिक उनको मामा के नाम से जानती है, और दिल से, कोई बनावटी प्यार नहीं, दिल से प्यार करते हैं। कई लोग तो कहते हैं सगे मामा भी उतने अच्छे नहीं होते हैं जितने ये वाले मामा हैं। कहते नहीं, वाकई में यदि जो संपर्क में आता वो यही कहता है कि ये हमारे ही मामा हैं, और ओरिजिनल हमारे ही मामा हैं, इसीलिए वो दिल से प्यार करते हैं। क्या कहेंगे अगर मामा जी आपको सुन रहे होंगे तो रेहटी में क्या माहौल है उनके? रेहटी तो उनकी कर्मस्थली है, और यहाँ माहौल की तो बात ही नहीं, एक तरफा माहौल है, और सभी लोग एक मतलब पूरे प्राणपण से उनकी जो है जीत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और चूंकि पिछले बार भी हम लोगों का जो विधानसभा में संकल्प था कि हम मामा जी को एक तरफा जीत पे एक लाख से अधिक वोटों से जिताएंगे, और वो संकल्प पूरा किया, और अभी भी जो हमारा बड़ा संकल्प है लोकसभा का कि हम मामा जी को 10 लाख से अधिक वोटों से यहाँ से विजय श्री हासिल करवाएंगे, उसी में सब पूरे कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं, और माँ भगवती कृपा से हमारा लक्ष्य पूरा भी होगा। अब ये बताइए अगर 10 लाख से मामा जी जीतेंगे तो कांग्रेस की जमानत तो जब्त हो जाएगी? वैसे भी हमेशा जब्त होती है, और हम तो ये चाह रहे हैं कि उसका कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं हो पाए, और होगा भी तो जमानत जब्त होके रहेगी, और हम लोग सब लोग लगे हैं, कार्यकर्ता लोग लगे हैं कि मामा जी को हमारे देश में सबसे पहला स्थान मिले और सबसे अधिक वोटों से जीते। मामा जी ने ये कहा है कि मोदी जी के लिए 29 की 29 मालाएं हम मध्य प्रदेश से दिलाएंगे, तो उसमें क्या माहौल लगा? अवश्य दिलवाएंगे ही, और वो तो हमारा क्योंकि पिछले बार हम एक सीट से पीछे रह गए थे, और अब की बार तो पूरा हमारा संकल्प है कि वो 29 की जो कमल की फूल की मालाएं हैं वो हम मोदी जी के गले में देंगे, और हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का ये संकल्प भी है कि 29 जो कमल के फूल की मालाएं हैं वो मोदी जी के गले में पहनाएंगे। ठीक ठीक सर, नाम क्या आपका? गजराज सिंह। ये बताइए मामा जी इस क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रहे हैं, चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? कहाँ कर रहे हैं वो, तो कहाँ आ रहे हैं, आते ही नहीं है, वो नहीं आएंगे तो ही जिताएंगे उन लोगों को। अच्छा, वो पिछली बार जरूरत नहीं थी आने की, ना आए वो, और 1 लाख बार जिताया, इस बार 11,51,000 जिताने का हमारे यहाँ से मूड है। और शिवराज जी के क्या क्या काम है जिसकी वजह से? शिवराज जी ने क्या नहीं किया है बताइए, क्या नहीं दिया? पहले लाडली लक्ष्मी योजना, गाँव की बेटी योजना, प्रसव योजना, लाडली बहनी योजना, समर्थन मूल्य, और आपका किसान सम्मान निधि,
क्या नहीं दिया है, 24 घंटे बिजली दी है, सब तो दिया है, हर खेत को पानी दिया है, बिजली दी है, क्या चाहिए आपको? और विपक्षी तो कहते हैं मामा ने कुछ नहीं किया इसने 18 साल। आगे देख लेते हैं, ये चमचमाते रोड कैसे दिख रहा है, ये बिजली कैसे दिख रही है आपको, नगर दिख रहा है आपको? अभी 450 मल्टी बनी है, आप स्टेडियम जाके देखिए, 450 मकान दिए लोगों रेडी में अंदर, और 450 मल्टी बनी, चल जाओ नगर पंचायत के आगे स्टैंड पे, चमचमाते मकान दिए, क्या चाहिए? खाने को रोटी दी है, रहने को मकान दिया है, सब तो दिया है। तो जो मामा के खिलाफ बोलते हैं उनको क्या कहेंगे? कौन को क्या कहेंगे उनको? वो तो आ रहे हैं सब हमारे पास, धीरे से कह रहे हैं हमसे कि भैया तुम्हारा मामा को ही वोट देंगे, मैं कोई बचा नहीं है, वो तो सनातन संस्कृति को बेकार कर रहे हैं, उनको गाली बक रहे हैं, वो सनातन संस्कृति की शक्ति से लड़ने चाह रहे हैं, वो तो हिंदू विरोधी लोग हैं, वो तो जो हमारे संस्कार संस्कृति से लड़ेंगे वो कौन है? हिंदू विरोधी है, वो तो हमारी समाज शक्तियों के विरोधी है, वो तो कहा राहुल ने नहीं कहा, तो कैसे वोट देंगे उनको? वो तो हमारा धर्म खत्म करना चाहते हैं। मतलब इस बार एक तरफा है, एक तरफा माल होगा, बिल्कुल एक तरफा होगा। तो लोगों से क्या अपील करेंगे? काय की चुनाव को लेकर क्या करें इस बार, क्या करें? विकास कार्य गिनाएंगे हमारे, जो हमने किए उनके, जो विकास किए ना वो गिनाएंगे, उनके पास जाएंगे, याद दिलाएंगे उनको, उस पर आधार वोट मिलेंगे हमको, वो मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, दोनों में से क्या माहौल लग रहा है इस बार? कुछ नहीं, क्यों राहुल का नाम लेके हमारे बेकार मुंह खराब कर रहा है, क्या है वो, है क्या वो, कहाँ मोदी यार, कहाँ राहुल की बात कर रहा है, मतलब बच्चा जैसा है, वो तो कह रहे हैं बेरोजगारी खूब हो गई, महंगाई। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है बेरोजगारी, सब रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी नौकरी नहीं होती है, हम लोगों को उद्योग खुलवा रहे हैं, छोटे छोटे धंधे खुलवा रहे हैं, समझे, हाथ ठेले वाले रेवड़ी वाले सबको धंधे दे रहे हैं, सबको रोजगार दे रहे हैं, सरकारी नौकरी नौकरी थोड़ी होती है, एक हाथ ठेले वाले को जो ना रेवड़ी वाले को दुकान वाले सबको कर्ज दे रहे हैं, ये नौकरी नहीं है क्या, ये धंधा नहीं है क्या? वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने सबको पकौड़ा बेचने के लिए तैयार कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो जो धंधा करेगा उसके लिए हम उसको सहयोग कर रहे हैं, कोई कह रहा है मैं होटल खोल रहा हूँ, भैया खोल, किसी ने कहा नाई की दुकान खोल तो उसको सामान ले दो, किसी ने कहा मैं बढ़ाई का काम करूँगा तो उसको औजार दे रहे हैं, मतलब जो करना चाहता है उसको बकरवा रहे हैं, उस पर क्या दिक्कत है उसमें? अभी अभी राम मंदिर का वो मंदिर भी स्थापित हो गया है, उससे कितना माहौल परिवर्तित हुआ पूरे इलाके में? बन साइड एक तरफा माहौल, 400 पार सबकी बार, 400 पार। अच्छा, मामा जी यहाँ से 11 लाख पार, 11 लाख पार, 11 लाख 51 हज़ार। जी, आप बताइए क्या माहौल लग रहा है रेटी में? माहौल यहाँ तो एक तरफा ही रहा है शुरू से, मामा जी की इतनी योजना है, जैसे यहाँ हाईवे का निर्माण चल रहा है, रेलवे लाइन का काम चल रहा है, बच्चों के लिए सीएम राइज स्कूल, हर ब्लॉक पर सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं, ऐसे भव्य आधुनिक बिल्कुल जो बड़े बड़े सीबीएसई स्कूल होते हैं ऐसे बन रहे हैं, और मामा ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया संविदा नौकरियों में, या पुलिस की जो अपन देखते हैं उसमें 50% आरक्षण है, जनप्रतिनिधि जो बने हमारी महिलाएँ उनको 50% आरक्षण है, और शिवराज जी की इतनी योजनाएँ हैं कि उनको हम गिनाने बैठेंगे अगर 180 से ऊपर योजना है वो हम बोल ही नहीं पाएंगे इतनी योजना है, और यहाँ के जनता उनको बहुत जननायक के रूप में और बहुत स्नेह करती हैं, वो तो यहाँ से 11 लाख क्या और ज़्यादा ही से विजय होंगे। अब ये बताइए 18 साल वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और दिन रात उनकी पॉपुलरिटी बढ़ती जा रही है, ऐसा क्या जादू कर दिया मामा ने? नहीं, वो जनहितैषी नेता है, वो सब समाज हर वर्ग को लेके चलते हैं, उनके लिए सब समान है, एक आम व्यक्ति भी अगर यहाँ से अगर निकलेंगे वो हाथ दे देगा तो वो गाड़ी रोक के उससे मिलेंगे कोई भी हो वो, तो एक हर व्यक्ति के लिए उन्होंने काम किया, और एक जन नेता है, गरीब से गरीब की योजनाएं उन्होंने लेके आए, जो जितनी योजनाएं वो सब गरीबों के लिए हैं, तो इसलिए उनको लाडली बहना लाडली लक्ष्मी जितनी योजनाएँ रही हैं, पीएम आवास यहाँ भी बहुत मिले हैं, मतलब यहाँ लोगों को, तो जितनी योजनाएँ रही हैं सब गरीबों के लिए रही हैं, इसलिए उनको हर वर्ग का व्यक्ति पसंद करता है। अब शिवराज जी मोदी जी के साथ अब केंद्र में जा रहे हैं, तो उससे कुछ मध्य प्रदेश वासियों को वो तो नहीं है प्रॉब्लम कि पहले वो यहाँ के मुख्यमंत्री रहे अब दिल्ली चले जाएंगे? नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो देखो पार्टी है जो भी भूमिका देती है उस पर जाना पड़ता है, वो 5 बार यहाँ सांसद भी रहे, उसके बाद फिर विधायक के रूप में फिर मुख्यमंत्री बने, और पार्टी ने उनको ऊपर ले जा रही है, और अच्छा कार्य करेंगे वो प्रदेश के लिए भी लाभ मिलेगा, और अच्छा पद उनको भावी मंत्री वगैरह का मिलना ही है वो तो निश्चित है, तो इसलिए उससे यहाँ की जनता को और खुशी है और आगे बढ़ रहे हैं, वो देश का नेतृत्व करेंगे, अभी प्रदेश का कर रहे थे अब देश का करेंगे। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे, तीसरी बार अब वो प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे हैं,
क्या क्या काम उन्होंने ऐसे किए कि जिसकी वजह से फिर एक बार 400 पार का जो नारा दे रही है बीजेपी वो साकार होता दिखाई? मोदी जी के काम तो बहुत ज़्यादा, पूरे जब देश आज़ाद हुआ उस समय से 370 धारा राम जन्मभूमि का एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कभी किसी ने पूरा नहीं किया, लेकिन मंदिर निर्माण एक तरफा रहा, और पीएम आवास की योजनाएं और 3 तलाक, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं मोदी जी की जो कि बहुत निर्णायक रही हैं। वो कश्मीर का मुद्दा हम देखते हैं कि जो उन्होंने हल किया, इसलिए उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, और वो तो चौथी बार भी आएंगे, मोदी की गारंटी गारंटी लुभा रही है। बिल्कुल मोदी जी की गारंटी है कि ये काम होना ही है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। आप बताइए मामा जी ही क्यों? मामा जी इसलिए कि मेरा पर्सनल नज़रिया बता रहा हूँ कि पूरे भारत में उनके जैसा जनकल्याणकारी मुख्यमंत्री आज तक ना हुआ है, शायद होगा भी नहीं, मुझे लग रहा है ऐसा। और जनता में उनका प्रभाव जो है बहुत शानदार है, और व्यक्तिगत तौर पे भी हमारी विधानसभा का ही बता रहा हूँ मैं, बुधनी विधानसभा का, तो शायद मेरे ख्याल से वो 90% लोगों को व्यक्तिगत नाम से जानते होंगे, इतना मतलब उनका क्रेज़ है यहाँ। और हर प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया है किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, लाडली बहनों के लिए, छोटी सी कन्याओं के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए, मतलब सबके लिए किया है, वृद्धों के लिए भी किया है, हर वर्ग को उन्होंने स्पेशल कुछ ना कुछ दिया है मध्य प्रदेश में। और अब वो लोकसभा में आ रहे हैं तो हमें खुशी है कि वो आगे बढ़ के और देश का नेतृत्व करें और इस देश को और आगे बढ़ाएं, मध्य प्रदेश के साथ जैसे मध्य प्रदेश का कल्याण हुआ है वैसे ही भारत का और नाम आगे रोशन करें, हमारी यही दुआ है। कई लोग तो कह रहे हैं शिवराज जी को यहाँ प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार। नहीं, वैसे तो मतलब वो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, तो पार्टी की जिम्मेदारियाँ हैं उनके ऊपर, चाहते तो बहुत हैं आना, लेकिन मजबूरी है उनकी कि वो पार्टी उनके लिए प्रथम है, और वो इतना कर चुके हैं, इतना दे चुके हैं क्षेत्र को कि उनको आने की जरूरत पड़ती नहीं है यहाँ। और फिर उनके सुपुत्र हैं वो बहुत होनहार हैं तो वो सब संभाल लेते हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड एक बात और कहना चाह रहा हूँ मैं आज यहाँ बता रहा हूँ, और आप आगे इसको रिकॉर्ड में रखना कि पूरे भारत में नंबर 1 से जीतेंगे वो, सबसे ज़्यादा मतों से वो भारत में जीतेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके बाद अब जीतूँ तो आप इस रिकॉर्ड को डालना, मतलब जीते तो रिकॉर्ड को डालना आप उसमें कि वो मतलब पूरे रिकॉर्ड तोड़ देंगे भारत में, सभी सांसदों से भारी बहुमतों से जीतेंगे वो। तो पूरे जो विदिशा लोकसभा के क्षेत्र हैं उनसे क्या अपील करेंगे जो वोटर? मैं चाहता हूँ कि वो सभी वोटर पहले तो अपना वोट जरूर डालें और प्रत्याशी देख के डालें कि कौन आपका भला कर सकता है। मैं किसी को ये नहीं कहना चाहूँगा कि कौन, मैं तो मेरे को जिसको देना दूंगा, लेकिन बता रहा हूँ कि आप अपना प्रत्याशी देखें कि कौन प्रत्याशी आपके लिए क्या कर सकता है और किसने क्या किया है इतिहास में, तो उस हिसाब से वोट करें अपना। सब समझदार हैं, कोई अपना बुरा नहीं चाहेगा, हर आदमी भला ही चाहेगा, तो वो अपनी समझदारी से वोट करे। राहुल गांधी ने तमाम पूरे देश में न्याय यात्रा निकाली, उसका कुछ फर्क है यहाँ मध्य प्रदेश में? नहीं, यहाँ तो राहुल गांधी का कोई वजूद ही नहीं है मेरे ख्याल से, और वो जहाँ भी जाते हैं उसका उल्टा असर होता है उनको, एक तो राजनीति का अनुभव ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो जहाँ जाते हैं तो वो सुपड़ा साफ कर देते हैं। वो कम से कम 15-20 चुनाव हार चुके हैं जब से राजनीति में एक्टिव हुए हैं, 15-20 बड़े चुनाव वो हार चुके हैं राजनीति में जब से आए हैं, तो उनके आने से तो नुकसान ही होता है मेरे को लग रहा है आगे आने से। अब वो पता नहीं क्यों कांग्रेस उनको ढो रही है, मैं जानता नहीं, अब वो कांग्रेस की अपनी सोच है कि कैसे उनको ढो रही है, वो नेगेटिव ही जा रहे हैं वो कांग्रेस को। लगातार जो यहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वो सब प्रभावित हो रहे हैं, हमारे मामा जी से ही प्रभावित हो रहे हैं, पार्टी के कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं, और कुछ नीतियाँ उनकी खुद की पार्टी की ऐसी नेगेटिव जो उनको समझ में नहीं आ रही हैं। नए नए चेहरे पता नहीं कौन कौन से उठा के ले आते हैं, जिनको वो कार्यकर्ता खुद नहीं जानता, उनको चुनाव लड़ा देते हैं तो वो खुद निराश हो जाते हैं, वो सोचते हैं इससे तो अच्छा जो हमारा भला कर रहा है, हमारे काम आ रहा है उसको, फिर इसके कारण उनका मत चेंज हो रहा है थोड़ा सा। मामा जी के खिलाफ तो अभी प्रत्याशी ही नहीं मिला उन्हें। हाँ, ये भी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रत्याशी ही गुमे, शायद पता नहीं हो नहीं हो, मामा जी निर्विरोध जीत जाए मुझे तो ऐसा लग रहा है, बाकी अब ऊपर वाला जानता है। सर क्या कहेंगे यहाँ पे रेटी में, कितना माहौल लग रहा है आपको इस बार? साइड माहौल है यहाँ तो बच्चा शिवराज है, बच्चा एक साइड माहौल। शिवराज जी कह रहे हैं मैं नहीं लड़ रहा हूँ चुनाव, आप लोग लड़ रहे हैं। नहीं लड़ते हैं तो आप शिवराज जी के लिए चुनाव लड़ते हैं? शिवराज जी के लिए चुनाव, पार्टी के लिए शिवराज जी के लिए चुनाव लड़ते हैं। काम क्या किए उन्होंने खासतौर पर जिसकी वजह से मामा जी इतने लोकप्रिय हो? कितने काम गिनवाएंगे, कितने काम गिनवाए हैं, ये जो सारा विकास है सब शिवराज जी का है, कांग्रेस कुछ नहीं है यहाँ की, अभी शिवराज जी का विकास है पूरा। कितने हमको उनकी योजनाओं की गिनती नहीं है, कितनी योजना सारी गरीब कल्याण योजना बनाई है पूरी उन्होंने, गरीब एक डेढ़ झुग्गी आती थी, अभी 950 मकान दिए रेडी में दिए हैं। अच्छा, अब बताओ आप कितना फर्क है। शिवराज ने पार्टी नहीं परिवार चलाया है, हर व्यक्ति को अपने परिवार का व्यक्ति समझा है, हर दुख दर्द समझा है,
इसलिए शिवराज जी क्या बच्चे बच्चे शिवराज हैं, तो हर मतदाता शिवराज है। शिवराज जी के आने जरूरत नहीं, मना कर दिया मत आइए, हम 11 लाख पार करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप? अच्छा, उनको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी आए थे ना मना कर, लोगों को अभी आए तो मना कर दिया, आप जाइए, हम आप लोग जिता के भेजेंगे अपना। और कई जगह देखिए आप, यहाँ 18,000 की आबादी है और 10,000 वोटर हैं, तो इसमें से कितने शिवराज जी के हैं? मैक्सिमम हमारे यहाँ कभी भी शिवराज जी को 4 अंकों में, मतलब शिवराज विपक्ष वाले को 4 अंकों में वोट नहीं मिलते, 3 अंकों में मिलते, 1,000 से ज़्यादा पार करने नहीं देते हैं। अच्छा, यहाँ से कभी भी हमने दूसरे प्रत्याशी को कभी 700 कभी 800 इससे ज़्यादा कभी लीड लेने नहीं देते हैं। और ये हमारा मकसद भी रहता है कि हम अधिक से अधिक, मैक्सिमम हम बुधनी विधानसभा में तो सबसे अधिक वोटों से उनको विजय प्राप्त करवाते हैं। और शिवराज जी का सवाल ये है कि उन्होंने हमारे क्षेत्र के लिए, क्योंकि उनकी कर्मभूमि रही है, हमारे क्षेत्र के लिए क्या नहीं किया। उनने बचपन से लेकर 55 तक सभी योजनाएं चलाई हैं, और कौन कौन सी योजनाएं आप पूछें कि क्या किया क्या नहीं किया, कौन सी योजनाएं गिनाएं उनकी, क्योंकि यहां से जन्म से लेकर मृत्यु तक सारी योजनाएं उन्हीं की बनाई हुई है। और वो चूँकि अंतर्राष्ट्रीय तक गई है, दूसरे जो राज्य हैं वो भी उनकी योजनाओं का अनुसरण करने के लिए आज बाध्य हैं, क्योंकि ऐसी योजनाएँ जो जन कल्याणकारी हैं, लोगों को फ़ायदा होता है, इसीलिए हमारे मामा इसीलिए प्रिय हैं क्योंकि वो अपने संज्ञान में लेके, चूँकि एक बहुत ग्राउंड लेवल से वो उठे हैं, इसलिए वो जानते हैं, पाँव वाले भैया हैं, और चूंकि जानते हैं इसीलिए उनके मन में ये अपने आप में बने, किसी दूसरे के द्वारा थोपी गई योजना ही खुद की योजना है। और जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं उनके खुद के द्वारा चलाई गई हैं, जो कि दूसरे राज्य उनका अनुसरण कर रहे हैं, इसीलिए मामा बहुत प्रिय हैं और जन नेता हैं और खुद पर विश्वास करते हैं, और आम पब्लिक में उनका ऐसा मैसेज है कि वो हमारे एक परिवार के व्यक्ति हैं, इसीलिए उनको पब्लिक इतना अधिक चाहती है। जब मुख्यमंत्री का ऐलान होना था, तब बताया जा रहा है कि यहाँ के कुछ लोग भावुक हुए थे उस समय। हाँ, हमारे पूरे क्षेत्र, क्योंकि यहाँ की जो हमारे क्षेत्र से नहीं, पूरा मध्य प्रदेश भावुक था, क्योंकि उनको दिल से प्रेम करते हैं और दिल से वोट भी दिया था, और चूँकि ऐसी पार्टी को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतने अधिक सीटों से मध्य प्रदेश में आएंगी सीटें, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके खुद के दम पर, खुद की मेहनत और योजनाओं के दम पर 165 सीटें लाए, तो इसीलिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो पार्टी ने जो निर्णय लिया था उससे आदमी क्षुब्ध था, निराश था, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में उनको जो पुनः जो शिफ्ट किया गया उससे थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ी हैं, मतलब सांसद प्रत्याशी बनके उम्मीद थी। तो हम लोगों को भी कार्य करने का एक अच्छा सा अवसर प्राप्त हुआ है, और हम निराश से हो गए थे कि पता नहीं अब क्या होता है, लेकिन ठीक है, जो होगा वो अच्छा ही होगा, भगवती जो कुछ करेगी अच्छा करेगी। धन्यवाद। अभी जो ना 4 जाति गिनाई है, गरीब, किसान, महिला और युवा, ये शिवराज की पहले से थी जो आज सेंट्रल फॉलो कर रहे हैं उसका, तो शिवराज बड़ा है, कौन बड़ा है? आज सारी योजना उनकी चल रही है और उसी को एजेंडे भी लिया है, और सारे प्रदेश उसका अनुसरण कर रहा है, देश भी कर रहे हैं, प्रदर्शन भी लिया है, तो उससे बड़ा कौन नेता हो सकता है? हम नहीं मान सकते। सेंट्रल में मोदी, प्रदेश में शिवराज मामा, स्वच्छता में भी स्वच्छता नंबर वन, मध्य प्रदेश इंदौर 7वीं बार नंबर वन रहा, भोपाल भी 5वें नंबर पर रहा, हमारा बुधनी पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर रहा है नगर पंचायत में, तो ऐसा उनके हर क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, और वही कार्य उन्हें सबसे ऊपर ले गया, जनता जनहितैषी जनमूलक जो उनकी घोषणा, मतलब जो भी उनकी योजनाएं थी वो आम व्यक्ति से जुड़ी रही, इसलिए उनको हर व्यक्ति स्नेह करता है।